वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। मैं कुछ टाइम के लिए अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, कल परसों 2 दिन के लिए गई हुई थी। अभी मेरा 2 मंथ तो ऐसे ही हो रहा है कि मुझे यमुनानगर जो है कि काफ़ी बार जाना पड़ चुका है, पहले अपने बेटे की वजह से और फिर अपनी वजह से भी कोई काम था, और फिर उसके बाद जो है अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसकी वजह से भी मुझे जाना पड़ा। अभी वो पहले से बहुत बेटर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये शेयर करने वाली हूँ कि क्या है कि बच्चे अब 6 मंथ से अबव के हो गए हैं तो उनके लिए अब कुछ और चीज़ें भी बनानी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके लिए जो दूध है वो कि ये दूध के जो डिब्बे हैं ये उनके लिए है, जो हम दूध जो है उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये छोटे वाले के लिए है, ये लैक्टोजन है, उसका डॉक्टर ने सिमिल लिखा हुआ था तो वही अभी हम यूज़ कर रहे हैं। उनके लिए दलिया भी बनाऊंगी। क्या है कि अब ऊपर की चीज़ें से खिचड़ी, दाल, दलिया ऐसी चीज़ें, सेरेलेक भी देना शुरू किया है। अब मैं दूध उनको जो है पहले से थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि क्या है कि 6 मंथ तक जो मदर का ब्लड होता है वही बच्चे के अंदर ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहता है। उसके बाद जो है ब्लड बनना तभी स्टार्ट होगा। अगर हम 6 मंथ के बाद सिर्फ दूध देते रहेंगे, वो पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि उससे बच्चे के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। और खुशू के अंदर तो जैसे अब टेस्ट भी हुआ था, खुशाम का तो नहीं हुआ, टेस्ट हुआ था तो उसके अंदर ब्लड की कमी आई थी। तो अब मेरे को जो है ऊपर की चीज़ें देना इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। सेरेलेक तो वो अच्छे से खा लेते हैं। आज मैं उनके लिए पहले दलिया बनाया था तो वो मोटा मोटा दलिया रह गया था। अब मैंने उनको उसको जो है मिक्सी में पीस कर उसके लिए दलिया बना रही हूँ। सेरेलेक होता है ना उस तरह का, मैंने इसको बारीक बारीक पीस लिया है, इसको भून लूँगी अब मैं। वैसे तो भूनने के बाद कहीं जो है इसको बनाते हैं, पीसते हैं, पर मैंने पहले ही पीस लिया, अब इसको मैं भून लूँगी। हल्का हल्का मोटा है तो ये बनने से ठीक हो जाएगा। और बीच में मैं देसी घी से ही बनाऊंगी, और देसी घी जो है ये घर का बना हुआ ही है, मैं खुद बनाती हूँ। मैंने लास्ट मंथ जो प्रेगनेंसी में घी खाया था, बहुत कम खाया था, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला खाने का, तो ये जो मैंने घर पर ही बनाती थी। अभी भी देखिए ये मलाई पड़ी हुई है 1, 2, 3 डिब्बों में, तो ये भी मैं घी निकालने वाली हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं काम कर लेती हूँ। बीच बीच में जो है मुझे उनको भी देखना पड़ता है क्योंकि ये देखिए इनको मैंने नीचे लटा रखे, ये देखिए ये किस तरह से इधर आ गया है, तो इस इनका बीच बीच में मुझे इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो बीच बीच में इनका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अब जो है ये आगे पीछे होना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो TV चला देती हूँ मैं, बीच बीच में इनको भी देखती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, तो मतलब बस इस तरह से अभी चल रहा है, तो इस तरह से चल रहा है। ये पॉइंट वगैरह भी देखते रहते जो है वो बंद करके जा रही हूँ ताकि ये जो है अपना खेलते रहेंगे, देखते रहेंगे TV। और इनके लिए जो है मैंने दूसरे तरीके के डाइपर्स यूज़ किए हैं, वो भी मैं कभी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैं इनके लिए बस दलिया बनाने वाली हूँ। अभी मैंने इनको दूध दिया था तो अब बस इनके लिए दलिया तैयार करने वाली हूँ। इसको 2 या 3 सीटी ही मैं लगवाऊँगी तो उस तरह से मैं तैयार कर दूँगी इसके लिए। तैयार शेयर करने वाली हूँ कि क्या हुआ था जब मेरा बड़ा बेटा खुश एडमिट हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया था क्या, तो क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि घर में ही सब कहते थे कि अभी पानी नहीं देना है 6 मंथ से पहले, तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं देती थी। तो क्या हुआ था कि उसके अंदर थोड़ी सी पानी की कमी हो गई थी, तो आप जो है ये डॉक्टर से मेरे को डॉक्टर ने बाद में बताया, जो 6 मंथ का हो गया था तो तब मुझे ये बात पता चली और हमको एडमिट ही कराना पड़ गया। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो पानी देने की 6 मंथ तक ज़रूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध दे रहे हैं तो उसे पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देना चाहिए। और ये तो नहीं पता किस मंथ से स्टार्ट करना है, ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा क्योंकि ये 6 मंथ का हो गया था तो मैंने इतना डॉक्टर से नहीं पूछा, तो आप ये ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि कब से पानी देना है। तो आपको अगर फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध दे रहे हैं तो पानी देना है, और कब से देना है और देना है कि नहीं देना है ये डॉक्टर से प्लीज़ आप कन्फर्म कर लीजिएगा। मैं लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ ताकि आप आगे डॉक्टर से क्वेश्चन कर सके। और अगर आप मदर मिल्क दे रहे हैं, अगर एक बार भी दे रहे हैं तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मदर मिल्क दे रहे हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती कि औरों के साथ, तो ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा जो भी बच्चे को देना है, नहीं देना है पानी, अपने डॉक्टर से ये जरूर क्वेश्चन कीजिएगा।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे प्रॉब्लम थी मदर मिल्क की, कईयों को होती है तो वो जो है पानी नहीं देते, इस चक्कर पे रह जाते हैं, तो इसलिए तो बच्चे के अंदर पानी की कमी ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर पूछ लीजिएगा डॉक्टर से। तो आज आपके साथ ये छोटा सा ब्लॉग मैंने शेयर किया, आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं, राधे राधे।